हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो दोस्तों जब अपर सर्किट लगाना स्टार्ट करता है तो किसी के हाथ में ही नहीं आता है। आपके सामने है दोस्तों ये स्टॉक, देख लीजिए। जब अपर सर्किट लगना स्टार्ट होता है तो किसी के हाथ में नहीं आता। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। सपोज़ अगर आपको पहले पता चल जाता कि हाँ, ये स्टॉक को जो है मुझे 200 रुपीज़ है, मुझे ख़रीद लेना, ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस इंक्रीज़ होने वाला, तो आप क्या करते? इसको बाय करते या नहीं करते? जम के बाय करते, ठीक है। आप ये सोचते कि मेरे हाथ से एक भी शेयर छूटना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही वीडियो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अवेलेबल किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले, हाँ दोस्तों, आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बोला, एक दिन पहले तो बता दिया जाता है, लेकिन आप लोगों को प्रूफ भी तो दिखाना है कि नहीं? बिना प्रूफ का तो काम नहीं चलेगा। तो ये देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देता हूँ, AEGISC, ये जो है दोस्तों लॉजिस्टिक की कंपनी है। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, मार्केट बंद होने के बाद 244 है। आज का हाइएस्ट देख लेते हैं तो दोस्तों इसने लगा दिया है 250। अब सपोज मान लीजिए ये जो स्टॉक है दोस्तों, अपर सर्किट लगाया जा रहा है। जब आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक जो है अपर सर्किट और अच्छा से लगाने वाला है, तब आप और जम के खरीदारी कीजिएगा। और ये देखिए, मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, मैंने साफ साफ लिखा था दोस्तों, ये जो लॉजिस्टिक का कंपनी है दोस्तों, ये शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। ये आपके सामने थंबनेल है, ठीक है। थंबनेल के बाद आप टाइटल भी देख लीजिए, यहाँ पर भी मैंने साफ साफ लिखा है कि ये शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपने ये देखा होगा कि आपको मे बी मे नॉट बी, मतलब शायद हो सकता है, शायद नहीं हो सकता है, ये चीज़ में आपको फंसा दिया जाता है। लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड में डायरेक्ट बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। तो भाई होने वाला है, अगर नहीं होने वाला रहता है तो आपको नहीं बताया जाता, क्यों आपको कंफ्यूज किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए दोस्तों, एक कॉल आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद मैं आपको डेट दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डेट दिखा देता हूं, ताकि ये भी आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन से डेट पे ये वीडियो अपलोड किया था। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने अपलोड किया था 28 जनवरी को, मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, आप लोगों के सामने है, और वीडियो के अंदर भी मैंने दिखा देता हूँ दोस्तों, मैंने बोला था कि आप ये स्टॉक को भर भर के खरीदिएगा, अपना पोर्टफोलियो भर लीजिएगा, एक भी स्टॉक बचना नहीं चाहिए। और आज के डेट में दोस्तों जो प्रॉफिट हुआ है आपको, जो किसी के हाथ नहीं आने वाला है। स्वागत है आपका परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट में। आज मैं बताने वाला हूं कि कौन सा शेयर का प्राइस जो है इंक्रीज होने वाला है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं दोस्तों। वो स्टॉक का नाम है AEGIS लॉजिस्टिक। यहां पर देख सकते हैं अभी जो उसका करंट वैल्यू चल रहा है दोस्तों, 210 रुपए के आसपास चल रहा है। अगर आपने नहीं खरीदा तो दम भर खरीदेगा दोस्तों, जब तक आपका पोर्टफोलियो भर ना जाए, ठीक है। तो चलिए मैं तो आपने दोस्तों मैंने क्या बोला कि आप तब तक खरीदेगा जब तक आपका पोर्टफोलियो भर ना जाए, दम भर खरीदेगा। यहाँ पर मैंने दोस्तों, मतलब मैंने साफ साफ बताया है कि ये स्टॉक जो है इसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। इसके बारे में कुछ बता भी देता हूँ, ऐसे स्टॉक हाथ से निकलना नहीं चाहिए। आप सोच लीजिए दोस्तों, आपका पैसा है लेकिन फिर भी आपको सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, AEGIS लॉजिस्टिक देखिए कितना अच्छा प्रॉफिट दिया है, वन ईयर में 9%। चलिए कोई बात नहीं, नेगेटिव रिटर्न तो नहीं दिया है, पॉजिटिव रिटर्न दिया है। हमें अपने आप से सेटिस्फैक्शन रखना है कि बैंक से ज़्यादा रिटर्न निकालना है शेयर मार्केट में, चाहे जो भी। पैसा डबल करने के चक्कर में पूरा कैपिटल ही गंवा देना, ये कहीं की समझदारी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद यहां पर देख सकते हो 1 मंथ में 19% रिटर्न दिया है, और स्टॉक देखिए अभी रिकवरिंग मोड में है। तो ऐसे स्टॉक को जो है हमें रिडार पर रखना चाहिए, और अगर आपको खरीदना है तो 1-2 दिन 4 दिन लग के बेच मत दीजिएगा। मान लीजिए कि आज प्राइस इंक्रीज हुआ, कल डिक्रीज हुआ, तो लोग डर के बेच देते, ऐसा काम नहीं करना है। क्यों ऐसा काम नहीं करना है? क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में मैं आपको दिखा रहा हूं ये स्टॉक का। तो ये भी मैंने बोला दोस्तों कि 1-2-4 दिन में आप जो है ये स्टॉक को बेच मत दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि मान लीजिए आज मैंने बोला कोई स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, हो सकता है थोड़ा डिक्रीज हुआ, लेकिन लोग बोलने लगते हैं ये फ्रॉड है, ये है यार, वो है यार, लेकिन उनको पता ही नहीं है शेयर मार्केट 1 मिनट के अंदर कितना फ्लक्चुएट कर जाता है। जितना हार्ट बीट नहीं करता दोस्तों, उससे ज्यादा तो शेयर मार्केट जो है फ्लक्चुएट कर सकता है। आप अपना जो है प्राइस जाके देख लीजिए, चार्ट में बहुत ज्यादा अप डाउन होता है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर थोड़ा बहुत डिक्रीज भी होता है तो आपको डरने की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां पर आपको बोला कि आपको क्या करना है दोस्तों, 2-4 दिन में आप सेल मत कर दीजिएगा। और यहां पर देख लीजिए डेट, मैंने ये दोस्तों 28 जनवरी को वीडियो ये अपलोड किया था।
और ये मैं अभी आपके सामने यहाँ दिखाता हूँ दोस्तों, 28 जनवरी, यहाँ देखिए मतलब कि फरवरी जै मतलब जनवरी खत्म ही होने वाला था, ठीक है। ये लाइन को आप फोकस कीजिए, ये जो लाइन है दोस्तों 210 का रेंज था, यहाँ पर देख लीजिए 210 का रेंज है, यही जो प्राइस था दोस्तों, ये प्राइस था यहाँ पर था। अब देखिए यहाँ से जैसे ही अपर सर्किट लगाना फिर स्टार्ट किया दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 200 से यहाँ पर देख सकते हैं 250 को इसने टच कर दिया, 250 को टच कर दिया, तो देखिए इसमें भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला है। और ऐसे डेली वीडियो अपलोड करके बता दिए जाते हैं हमारी यूट्यूब चैनल में कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। आप अपने यूट्यूब चैनल में जाइए, ये जो यूट्यूब है जो आपका, उसके बाद ये जो सर्च बार है यहाँ पर आपको जाके सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। देखिए मैं डेली सर्च मारता हूँ इसलिए मेरा आ चुका है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा आपके सामने ये आ जाएगा दोस्तों, ये आइकॉन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो वीडियोज़ है, वीडियोज़ में आप चला जाइएगा, ठीक है। वीडियोज़ में आप चले जाइएगा, वीडियोज़ में जाने के बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, आज मैंने जो सुबह दो वीडियो बताया है इसमें भी बहुत खतरनाक प्रॉफिट हुआ है। खतरनाक का मतलब तो समझ रहे हो दोस्तों, कोई नॉर्मल नहीं। बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि स्टॉक तो है अपर सर्किट मतलब गैप अप मार के ओपन हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं डेली फ्री ऑफ कॉस्ट अगर वीडियो में ही बता दिया करूंगा कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, तो पेड सर्विसेज का मतलब क्या रह जाएगा, ये भी तो बात है ना, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर साफ साफ बोला था आइडिया Q3 लॉसेस, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों Q3 का रिजल्ट आया है, बहुत ज़्यादा जो है लॉस हुआ, उसके कारण मैंने साफ साफ बोला था सावधान हो जाओ, अगर आपने इस कंपनी को खरीदा है तो ये कंपनी डूबने वाली है। ये देखिए दोस्तों, मैंने ये जो है जस्ट 21 आवर्स पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया, 21 घंटा पहले, 24 आवर्स भी नहीं हुआ दोस्तों, 24 आवर्स अगर हो जाएगा तो एक दिन हो जाएगा, ठीक है, 24 आवर्स भी नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है अगर आपने खरीदा है तो बेच के निकल जाइए, देखिए सावधान अब कंपनी डूबने वाली है, ठीक है। यहाँ देखिए ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड किया था डिस्क्रिप्शन में, आज डेट देख लो दोस्तों, कल 13 था आज 14 है, ठीक है। अब मैं कुछ कॉमेंट्स दिखाता हूँ लोगों के यहाँ पर क्या राय थे दोस्तों। यहाँ पर देखिए सही बात है, वोडाफोन आइडिया का भविष्य जो है अंधकार में है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि भाई आइडिया 9% अप, यहाँ देखिए मतलब कि आज जो सुबह मार्केट ओपन हुआ था तो उस टाइम क्या है, वोडाफोन आइडिया जो है 10% 11% जो अपर सर्किट मारा था, लेकिन वो अपर सर्किट किस लिए था, लोगों को लालच देने के लिए ताकि हेवी लॉस हो जाए। तो लोग समझते नहीं है, उनको पहले बता दिया जाता है फिर भी, ठीक है। और यहां पर देख लीजिए मैंने साफ साफ बोला कि कंपनी डूबने वाली है, ठीक है, और कल ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और आज आपके सामने यहाँ पर देख लीजिए जो वोडाफोन आइडिया है 25% का नेगेटिव रिटर्न है, 25% समझ सकते हैं बहुत बड़ा हेवी नुकसान है, ठीक है। तो ऐसे देखिए आपको पहले बता दिया, जिन्होंने जो बेचा होगा उनको तो अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, जिन्होंने अपोजिट किया होगा खरीदा होगा इसको प्रॉफिट देख के तो उनको कितना ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। यहाँ देख लीजिए दोस्तों टूडे ओपन कितना हुआ था, 4 पॉइंट ओपन हुआ था 4.35 में, हाईएस्ट कितना गया था 5.45 में, ठीक है। लेकिन लोएस्ट यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, लोएस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक चला गया इसमें, यहाँ पर देख लीजिए टू डे लोएस्ट 3.25, तो इसमें तो लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया अराउंड 25% के आसपास। तो भाई अभी भी अगर आपको किसी को बिलीव नहीं है तो आप देख सकते हो दोस्तों अवंती फीड का, मैंने इसमें भी देखिए जितने भी सारे स्टॉक मैंने वीडियोस बनाए आप सारे वीडियोस के साथ जो है पेपर ट्रेड कर लो, सारे वीडियोस के साथ पेपर ट्रेड कर लो। मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिखा दिया कैसे आपको हमारे वीडियोज तक पहुंचना है, उसके बाद आप हमारे सारे वीडियोज के साथ जो है पेपर ट्रेड कर सकते हो। अब बताती है, कुछ लोग ये भी पूछेंगे कि भाई ये भी बता दो कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ होने वाला है जिससे हमें भी दो पैसा फ़ायदा हो जाए। कुछ लोग ये भी डायलॉग मारते हैं कि यार तुम तो जब भी बताते हो तो जो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज़ हो गया है वो बताते हो। मैं वो नहीं बताता हूँ, मैं कभी भी आज तक वो नहीं बताया, मैं आपको तो बस ये बताता हूँ कि देखो रिजल्ट क्या आया है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो वीडियो बनाते जाते हैं लोगों का क्या प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है वो देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने जो लिखा है एग्जाम में रिजल्ट में ही पता चलता है, तो रिजल्ट भी दिखाना पड़ता है पब्लिक को। उसी तरह मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो मैं रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देख लीजिए आपके सामने आ चुका है एक स्टॉक जिसमें अपर सर्किट लगने वाला है, ठीक है। तो वो कौन सा है दोस्तों, हीरो मोटर क्रोप। अभी जो इसका करेंट मार्केट प्राइस है आपके सामने यहाँ देख सकते हैं दोस्तों 2356.50, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक को खरीदना है, जम के खरीदना है दोस्तों, छोड़िएगा मत, समझ जाइए, एक भी छोड़िएगा मत पछताइएगा, ठीक है। ऐसे स्टॉक को आपको खरीद के रखना है दोस्तों, हीरो मोटर क्रोप, ठीक है, ऑटो सेक्टर का, ठीक है, आपको दम पर खरीदना। हालांकि आज के डेट में गिरावट है, और अच्छी बात है, ये तो और अच्छी बात है, शेयर जो हमें खरीदना है वो गिरावट में मिल रहा, अगर अपर सर्किट में मिलता तो हमें खरीदने में भी हिचकिचाहट होती, क्योंकि स्टॉक पहले से गिर चुका है, आप तो भाई खरीदना ही है, कंफर्म हो गया, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक को आपको खरीद के रखना चाहिए।
एक बात तो माननी पड़ेगी कि दोस्तों स्टॉक बहुत ज़्यादा निचले स्तर पे ट्रेड कर रहा है, मतलब कि स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। देखिए बहुत जब इसमें बाउंस बैक आना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अराउंड 2300 के आसपास का स्टॉक यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 2500, तो अच्छा खासा जो है इसमें बाउंस बैक मारता है। तो जितना बड़ा स्टॉक रहेगा उतना बड़ा बाउंस बैक मारेगा। 50 रुपये का स्टॉक कितना बड़ा बाउंस बैक मार सकता है, 4 या 5 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर 500 का स्टॉक लीजिएगा तो 50 रुपीज़ का बाउंस बैक मार सकता है। वही अगर 2000 का स्टॉक लीजिएगा तो 500 का भी अच्छा खासा रैली आ सकता है, ठीक है। तो स्टॉक के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन परसेंट में देखिएगा तो वो एक ही रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कल के दिन में अगर थोड़ा बहुत गिरावट होगा ना तो आप डरिएगा मत, ठीक है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डराता ही है। उसके बाद जाके जो वहाँ पर रह जाते हैं उनको प्रॉफिट मिल जाता है, जो डर के निकल जाते हैं दोस्तों वो लॉस लेके निकल जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक पर थोड़ा बहुत ध्यान लगाना है। देखिए स्टॉक का प्राइस बड़ा जरूर है लेकिन प्रॉफिट भी तो बड़ा देगा, ठीक है, क्योंकि अपने हिसाब से ये अपना प्रॉफिट तय करेगा, ठीक है। तो स्टॉक का देखिए बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका है, मैं आपको बोलूँगा दोस्तों स्टॉक तो पहले से बहुत ज़्यादा पिट चुका है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों 3000 का जो स्टॉक है यहाँ देख लीजिए अभी मिला 2300 में, ठीक है, 6 मंथ का चार्ट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो अच्छे प्राइस पर मिल रहा है दोस्तों ये आपको। और देखिए अगर कंपनी के बारे में किसी चीज़ को हम देखते हैं तो सारी चीज़ हमें सही नज़र आती है। तो मैं बोलूँगा ठीक है, शॉर्ट में अब वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ताकि दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, 11 मिनट्स का हो चुका है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ दोस्तों अगर थोड़ी बहुत स्टॉक में गिरावट आती है तो आप लोगों को सेल नहीं करना, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ तो आपको कभी नहीं करना है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, वो क्या है, ट्रेड नहीं करना। ट्रेड का मतलब कल को प्राइस डिक्रीज हो जाता तो हम बेच देते, कम से कम महीना, 2 महीने, 6 महीना, 6 मंथ अराउंड तो आपको रखना पड़ेगा। जितना लंबा आप रखोगे उतना लंबा आपको प्रॉफिट मिलेगा। अमीरों की सोच क्या होती है, वॉरेन बफेट ने शेयर मार्केट से सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जब भी वो किसी स्टॉक को खरीदते थे, तो कम से कम जो मिनिमम पीरियड होल्डिंग, जो मिनिमम था उनका होल्डिंग करने का ये पेशेंस, वो था मिनिमम 15 to 20 ईयर्स, कम से कम तो 15 से 20 साल तक वो किसी भी स्टॉक को सेल करके रखते थे। हमारी तो इतनी भी मजाल नहीं है दोस्तों कि हम 15 से 20 दिन तक किसी भी स्टॉक को होल्ड करके रख सके अपने पास और सोचते हैं कि बड़े से बड़े हमारी पूरी हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा, तो जितना लंबा आप शेयर मार्केट में टिकोगे उतना लंबा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है बस आप लोगों के लिए। और अगर आप पेड सर्विस लेना चाहते हो जिससे आपको एक दिन पहले पता चल जाए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ये जो नंबर है ये परमानेंट व्हाट्सअप का नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। उसके बाद ये जो नंबर है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कभी बिजी आएगा तो थोड़ी देर बाद जो है फिर से आप ट्राई कर सकते हो। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ नंबर नोट करने से पहले, ये जो भी सर्विस है दोस्तों पेड सर्विस है, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो में बता दिया जाता है जितना, उसके बाद जो है आप वहाँ पर आके रियलिटी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हो सकता है कि आने वाली वीडियो आपसे मिस हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।